हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर पीडियाट्रिशियन। एंड सबसे पहले हैप्पी होली टू एवरीवन। रंगों का त्यौहार आ चुका है, होली का त्यौहार आ चुका है। एवरीवन इज सो एक्साइटेड, और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड है वो है हमारे बच्चे। उनको रंग से खेलने का बहुत एक्साइटमेंट होता है, पिचकारी से खेलने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, गुलाल लगाने का, रंग लगाने का, सबको बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड रहते हैं। बट इस दौरान हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए जिससे वो इस होली के दौरान वो सेफ रहें। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा कुछ टिप्स जिससे आप अपने बच्चों को इस होली में सेफ रख सकते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है उन बेबीज के लिए जो लेस देन वन ईयर हैं, और दूसरे पार्ट में हम मोर देन वन ईयर बच्चों के लिए हम डिस्कस करेंगे टिप्स टू कीप देम सेफ। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर बेबीज लेस देन वन ईयर एंड स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न, मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि उनके साथ होली ना खेले, उन पे रंग ना लगाए। स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न से लेस देन सिक्स मंथ के जो बच्चे हैं उनको रंगों से दूर रखें, उन पे रंग ना लगाएं। अगर आप रंग लगाना चाहते हैं उनको, तो छोटा सा तिलक या छोटा सा टिक्का उनके फोरहेड पे लगा सकते हैं, एंड दे शुड बी ऑर्गेनिक कलर्स या फिर जो हमारे हर्बल कलर्स होते हैं वो उनको आप यूज कर सकते हैं। जितना हो सके विजिटर्स को मिनिमाइज करें, विजिटर्स के अब बच्चों के आसपास जो न्यू बॉर्न्स हैं या लेस देन सिक्स मंथ्स हैं उनके आसपास विजिटर्स को अवॉइड करें। एंड स्पेशली जो अनफेमिलियर फेसेस होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो फेस देख के कई बार न्यू बॉर्न्स या लेस देन सिक्स मंथ्स के बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। तो इसलिए विजिटर्स या जो स्ट्रेंजर या अनफेमिलियर फेसेस हैं वो बच्चों के आसपास थोड़ा अवॉइड करें। दूसरा, उनकी जो रूटीन है उनको डिस्टर्ब ना करें, उनकी रूटीन डिस्टर्ब ना करें, जैसे कि फीडिंग की जो रूटीन है, जो स्लीप की जो रूटीन है। कई बार हम सेलिब्रेशंस में बिजी हो जाते हैं, होली के सेलिब्रेशन में अगर हम बिजी हो जाते हैं, तो जरूर ये ध्यान रखें कि उनकी जो फीडिंग रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो और जो पहले जैसे चल रही थी वो वैसे ही कंटिन्यू रखें। एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक पेरेंट हमेशा न्यूबॉर्न या बच्चे के पास रहे, क्योंकि उनसे एक फीलिंग ऑफ कामनेस बच्चे को मिलती है कि एक पेरेंट तो मेरे पास है। तो इसलिए एक पेरेंट जरूर, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, वो जरूर वो बच्चे के पास वो रहे। लाउड म्यूजिक को अवॉइड करें, क्योंकि कई बार फेस्टिविटीज में हम सेलिब्रेशन में जाते हैं, लाउड म्यूजिक चलाते हैं, डीजे चलता है, उससे कई बार बच्चे की जो हियरिंग जो है वो डैमेज हो सकती है। तो लाउड म्यूजिक को अवॉइड करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चे को हमेशा काम रखें। अगर क्रैंकी हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो उसको शांत करने की कोशिश करें। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैंड हाइजीन। विजिटर्स आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, बच्चों को अगर वो छूना चाहते हैं, बच्चों को उठाना चाहते हैं, पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपना हाथ धो के हैंड सैनिटाइज करके फिर बच्चे को आप उठाएं, बच्चे को टच करें। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लेस देन वन ईयर बच्चों के लिए हम फॉलो कर सकते हैं टू कीप देम सेफ ड्यूरिंग दिस होली। आइए अब हम जानते हैं एक साल से जो ऊपर के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं होली खेलने के लिए, बाहर जाके होली खेलना चाहते हैं, रंग लगाना चाहते हैं और रंग लगवाना भी चाहते हैं, उनके लिए हम क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं टू कीप देम सेफ। सबसे पहले, जब भी वो होली खेलने के लिए जा रहे हैं, अगर बाहर आप उनको भेज रहे हैं होली खेलने के लिए, अच्छे से उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, ऑयलिंग करें, सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि अगर जो स्किन मॉइस्चराइज होती है, स्किन अगर ड्राई होगी तो ज़्यादा एलर्जी होने के चांसेस है। स्किन जो कलर अब बेबी बच्चे की उसके स्किन पे लगेगा वो भी बहुत मुश्किल से छूटेगा। अगर स्किन मॉइस्चराइज रहेगी अच्छे से, एक तो स्किन ज़्यादा जो कलर है उन पर ज़्यादा चढ़ेगा नहीं, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, और आप उनको इजीली हटा भी सकते हैं। तो अच्छे से उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, एक कोई मॉइस्चराइजर ले लें और सनस्क्रीन पे ज़रूर लगा के भेजें। बालों पे भी कोकोनट ऑयल स्पेशली आप लगाएं, क्योंकि अगर बाल अगर ड्राई होंगे, ऑयल नहीं लगाएंगे, तो बालों में जो कलर है वो बहुत जल्दी से नहीं छूटेगा, और अगर आप मॉइस्चराइज करते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, तो कलर बहुत जल्दी छूट जाएगा। तो इसलिए मॉइस्चराइजर का ध्यान जरूर रखें, बालों पे भी ऑयल स्पेशली कोकोनट ऑयल लगा के भेजें, एंड स्किन पे भी मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन तो लगा के जरूर भेजें। दूसरा, प्रेफरेबली फुल स्लीव क्लोथ लगा के ही उनको बाहर जाना चाहिए, एंड स्पेशली कॉटन के। अगर कॉटन के कपड़े जाएंगे तो उनको गर्मी कम लगती है, एलर्जी होने के चांसेस कम होते हैं, एंड फुल स्लीव कपड़े डाल के उनको बाहर भेजें। फ्रिक्वेंटली हाइड्रेट करें, बाहर अगर खेलने जा रहे हैं होली के लिए, पानी की बोतल साथ में उनको दे और उनको एडवाइस करें कि पानी पीते रहना है। अगर आप भी अगर उनके आसपास है तो जरूर देखें कि बच्चा पानी पी रहा है, क्योंकि जब बाहर गर्मी में होते हैं बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है, इसलिए फ्रीक्वेंटली हाइड्रेट उनको करते रहें। अगर वो होली खेल के आ गए हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि उनका कलर कैसे छुड़वाएं। सबसे पहले तो पानी गर्म करें, ल्यूकवॉर्म वाटर से उनको एक पहले वॉश दे दें, एक उनको बाथ दे दें खाली ल्यूकवॉर्म वाटर से, ताकि जो कलर है एक बार लेयर चली जाए। और फिर एक होममेड पेस्ट, जो कि मैं आपको बताता हूँ, बेसन आप यूज़ कर सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस,
एंड हनी, इनका पेस्ट आप इन इक्वल प्रोपोर्शंस मिला के आप एक पेस्ट बना सकते हैं। इसको हम उपटन भी बोलते हैं। वो बहुत ही यूजफुल होता है बच्चों की, ये जो कलर होते हैं उनको हटाने में। ऑर्गेनिक है, होममेड है, हर्बल है, तो ज्यादा कोई एलर्जी होने के चांसेस भी इसमें कम होते हैं। हाँ, विग्रसली रब ना करें। कई पेरेंट्स बहुत ही विग्रसली बच्चों की जो पेस्ट होते हैं, जो उपटन होते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों के एलर्जी, स्किन रैश, स्किन ड्राइनेस होने का खतरा रहता है, स्किन में कई बार कट्स भी लग जाते हैं। तो ज्यादा विग्रसली रब ना करें, हल्का सा सॉफ्टली एक लेयर लगा के उनको हटाएं। और अगर एक बार में लेयर कलर नहीं हटता तो घबराएं ना, पैनिक ना करें। नेक्स्ट वॉश में जब भी आप अगले दिन उनको नहलाएंगे तो वो कलर वो हट जाता है। सोप्स का अवॉइड करें, सोप से एलर्जी होने का खतरा होता है। कई बार टॉक्सिन जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बच्चे के स्किन पे एलर्जी करते हैं। सोप्स ना लगा के जो होममेड पेस्ट है वो यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी अगर बच्चा बाहर से खेल के आता है उनको एडवाइस करें कि हैंड वॉश जरूर करना है। बच्चे कई बार होली जब खेलने के उसके जब मजे कर रहे होते हैं, एंजॉयमेंट में, एक्साइटमेंट में, हाथ धोना, हैंड वॉश, हाइजीन जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो उनको हमेशा उनको एडवाइस करें, हमेशा उनको गाइड करें। बाहर से खेल के आए हैं, अगर कुछ खाना खाना है तो हैंड वॉश बहुत ही जरूरी है, हैंड वॉश जरूर करना है। जब आप उनको नहला लेते हैं, जब नहलाने के बाद वार्म मिल्क जरूर दें ताकि उनकी बॉडी जो है ठंडी ना हो, एंड वार्म मिल्क जरूर दें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर वो बाहर खेल रहे हैं, बाहर होली खेलने गए हैं, तो ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन देम। कई जगह होली में स्विमिंग पूल्स होते हैं, वाटर पॉन्ड्स होते हैं, तो वो ध्यान रखें। कई बार बच्चों के उसमें गिरने का रिस्क रहता है, तो हम ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन देम एंड अवॉइड स्ट्रेंजर्स अराउंड देम। कई बार होली में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए जो आपके जो फैमिलियर जो लोग हैं, फैमिलियर जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ही होली खेलें, बच्चों को भी उनके पास ही जाने दें, एंड अवॉइड स्ट्रेंजर्स। सो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे एंड दे आर यूजफुल फॉर यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल योर पीडियाट्रिशियन। एंड वंस अगेन, हैप्पी होली एवरीवन।